हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू मटर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। देखने में आपको ये पुलाव लगेगा, पर खाने के टाइम में किसी बिरयानी से कम नहीं है। ये झटपट बन के तैयार हो जाता है, आप इसको लंच में या टिफिन बॉक्स के लिए आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पुलाव को हम बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल ले लिया है। अभी हम इसको अच्छे से धो लेंगे और यहाँ पर मैं इसमें एक कटोरी के हिसाब से डेढ़ कटोरी पानी डालूंगी, क्योंकि ये बासमती राइस है तो हम इसमें पानी का क्वांटिटी डबल नहीं करेंगे। और अभी हम इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ड्राई मसाले लिए हैं जिसको हम अपने पुलाव बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इसमें एक बड़ी इलायची है, फूल चक्री, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्ची, दालचीनी, शाही लौंग और एक चम्मच जीरा। और यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है, इसमें दो बड़े चम्मच ऑयल डाल के उसको अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल अभी गरम हो चुका है तो हम उसमें खड़े मसाले डाल देंगे और इसको खुशबू आने तक हम भून लेंगे। और अभी खड़े मसाले जो है अच्छे से भून चुका है तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी एक प्याज जिसको मैंने लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। हम यहाँ प्याज को ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये कुकर में भी पकेगा, तो थोड़ा ही हम इसको भून लेंगे। और अभी जो है ये अच्छे से भून चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज टोमेटो जिसको भी मैंने लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट डालने से टमाटर जो है जल्दी से गलता है। और अभी इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। और ये अभी हल्का सॉफ्ट हो चुका है तो यहाँ पर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी 1 चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 पिंच हल्दी का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। और अभी हम इन सारे मसालों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अभी हमारे जो मसाले हैं बहुत अच्छे से भून चुके हैं तो मैं इसमें डाल दूंगी आलू जो मैंने मोटे टुकड़ों में कट करके धो के रख लिया था और 1/2 कटोरी ग्रीन मटर। और इसको हम 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो हमारे आलू है अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू और मटर दोनों अच्छे से पक चुका है और मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। तो यहाँ पर जो हमने चावल धो के रखे थे उसको इसमें डाल देंगे और ऊपर से इसमें डाल देंगे हरे प्याज के पत्ते और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और डाल दूँगी क्योंकि हमने पहले सॉल्ट सिर्फ सब्जी के हिसाब से डाले थे। और अभी इसमें जैसे ही बॉईल आएगा हम कुकर का ढक्कन लगा के इसको हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक पका लेंगे। और अभी हमारा बहुत ही टेस्टी पुलाव कम बिरयानी जो है बनकर रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।